करेंगे अवकल विद से अवकल स्पर्शी का समीकरण कैसे निकालते हैं, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस का उपयोग कैसे करके हम लोग टेंजेंट निकालेंगे, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण कैसे। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दी है उसका क्या निकालना है, dy/dx उसका निकालते हैं, dy/dx यानी कि एक बार डेरिवेटिव। उसके बाद जो पॉइंट दिया गया है, उस पर हम लोग निकालते हैं dy/dx एट पॉइंट x'y'। ये सपोज कर लिया हमने x'y' पे हमें dy/dx निकालना है। अब क्या करेंगे, उसके बाद ये जो हमने dy/dx निकाला इसको हमने m मान लिया, इसको हमने m, ठीक, यानी कि टेंजेंट, यही टेंजेंट होती है। उसके बाद यूजिंग फार्मूला y-y′=amx-x′, यूजिंग दिस फार्मूला, फिर हम लोग ये फार्मूला उपयोग करेंगे y-y′=mx-x′। इसको जब यूज करेंगे तो हम लोग टेंजेंट की स्पर्शी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन दिया है रेखा x cos α + y sin α = P। रेखा दी गई वृत्त x²+y²-2ax cos α - 2ay sin α = 0 को स्पर्श करती है तो P का मान ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया रेखा जो है वृत्त को स्पर्श करती है तो P का मान ज्ञात कीजिए। इस स्थिति में क्या होना चाहिए, इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग जो जनरल इक्वेशन दिए एक सर्कल की वो नोट करते हैं, यानी कि x²+y²-2ax cos α - 2ay sin α = 0। अब हम लोग फिगर से समझेंगे, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दी गई है, कोई रेखा ये टच कर रही है, तो हमें P की वैल्यू निकालनी है। इस रेखा इक्वेशन ऑफ सर्कल तो ये दी गई है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ये दी गई है ना। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, इस वृत्त का क्या करेंगे, सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर को इस रेखा पर लंब डाल देंगे सेंटर से, तो लंब की लंबाई जो होगी वृत्त की त्रिज्या के इक्वल हो जाएगी, यहाँ से पी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। चलिए नोट करते हैं x²+y²-2ax cos α - 2ay sin α = 0। इसको कंपेयर करते हैं x²+y²+2gx+2ay + c = 0 से। तो इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ से जी कितना आएगा, माइनस ए कॉस अल्फा आएगा, यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा -a cos α, ठीक है, और f आएगा -a sin α। c तो यहाँ 0 है, ठीक है, c है नहीं। इस स्थिति में हम लोग रेडियस निकाल लेंगे, रेडियस क्या होगी √g²+f²-c से यूज करेंगे फार्मूला। g की वैल्यू है -a cos α, इसका स्क्वायर प्लस -a sin α² - 0, ये आएगा a²cos²α + a²sin²α, यहाँ से a²
कॉमन ले लेंगे, ए वन बन जाएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा वन बन जाएगा, यहाँ से ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी रेडियस जो आ गई वो ए आ गई, ठीक है। तो हम लोग पहले देखते हैं, जैसे ये सर्कल था, ये लाइन, तो लाइन ये रेडियस हमने ये निकाल लिया, सेंटर भी हमने निकाल लिया, कितना आया था हमारा, माइनस ए कॉस अल्फा कॉमा माइनस ए साइन अल्फा। और इस इक्वेशन ऑफ लाइन ये इसका समीकरण था, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, ये था। तो क्या करेंगे, इस सेंटर से इस रेखा पर लंब डालेंगे, जो लंब डालेंगे लंब की लंबाई जो होगी वृत्त की त्रिज्या होगी। चलिए, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा माइनस पी इक्वल टू जीरो, इसको एक तरफ लाए। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से लंब डाल लेंगे, सेंटर से इस रेखा पर लंब डालेंगे, तो कॉस अल्फा एक्स की जगह माइनस ए कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और वाई की जगह माइनस ए साइन अल्फा माइनस पी अपॉन अंडर रूट एक्स के गुणांक का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस वाई के गुणांक का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू इक्वेशन वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या ए, ठीक है। इसको सॉल्व, ए कॉमन मिल जाएगा, इसमें से एक कॉमन मिल जाएगा, माइनस ए कॉमन ले लो, ठीक है। यहाँ से माइनस ए कॉमन लेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस पी अपान, ये तो बन बन गया, ठीक है, इक्वल टू ए, ए से ए काट दो, ठीक है। नहीं, ए से ए नहीं कट पाएगा क्योंकि ये इधर माइनस पी है, इसको नहीं कट पाएंगे, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ए ये तो बन बन गया, माइनस पी इक्वल टू ए, ठीक है। तो यहाँ से पी कितना आया, यहाँ से क्या करेंगे, ये तो हमारा हो गया प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस लेके चलेंगे। अब प्लस माइनस जब लेके चलेंगे तो इक्वल टू ए, यहाँ से सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व जब करेंगे हम लोग माइनस चिन्ह से, टेकिंग नेगेटिव साइन, पॉजिटिव लेंगे तो पी इक्वल टू माइनस टू ही आएगा, वो पॉसिबल नहीं है, है ना, तो क्योंकि दूरी नेगेटिव उसमें होती नहीं नेगेटिव में, तो हम लोग लेंगे माइनस चिन्ह, तो माइनस ऑलरेडी माइनस पी इक्वल टू ए एंड दिस बिकम माइनस पी इक्वल टू माइनस ए एंड सो पी इक्वल टू जीरो, इन दिस केस पी इक्वल टू जीरो एंड टेकिंग पॉजिटिव साइन देन माइनस ए माइनस पी इक्वल टू ए, पर यहाँ पे गलती कर दी, सेंटर को नेगेटिव नहीं लेना है, सेंटर को हमें पॉजिटिव पॉइंट से डालना है लम, तो ये तो हमारा हो गया प्लस, ठीक है। इस केस में पी हमारा जो आएगा वो टू ए आएगा, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या करेंगे, जब हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे तो ये आएगा ए प्लस पी इक्वल टू ए एंड पी इक्वल टू जीरो, जब हम लोग पॉजिटिव साइन लेंगे तो पी इक्वल टू जीरो आएगा, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो पी इक्वल टू टू आएगा, है ना। सेंटर हम लोग पॉजिटिव लेके ही उस पर लंब डालेंगे,
ठीक है।